जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 4 बजे से, और दोस्तों अभी फिलहाल मार्केट जा रहे हैं तो आपको वहीं जाके मिलते हैं। गाइस आप देख सकते हो तो दोस्तों हम आ रहे थे यहाँ पे माइक लेने के लिए, क्योंकि ना माइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी अंदर जाके पूछते हैं, क्योंकि अभी हम मार्केट पहुँचे, अंदर जाके पूछते हैं है कि नहीं है। हम माइक ले रहे थे पर पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। अभी फिलहाल हम ट्राईपॉड देख रहे हैं, अगर अच्छा वाला मिल गया तो लेते हैं। मेरे साथ आ रखी है ये, यहाँ पे भैया ने उस पर माइक लगा लिया, वहाँ एक भैया को भेज रखे हैं बोलने के लिए। माइक पे देखते हैं आवाज़ आती है कि नहीं आती। दोस्तों अभी फिलहाल हम ट्राईपॉड ये वाला लेने के सोच रहे, देखते हैं अभी कैसा है। सो दोस्तों अभी हम दोनों आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट में कुछ कपड़े देखने के लिए, देखते हैं मिलता है कुछ कि नहीं मिलता हमें। गाइस इनको देखने यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, सबके सब शॉपिंग करने आ रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने तो मुझे मस्त है, ये भी यहाँ पे शॉपिंग करने आ रखे। क्या क्या लिया तुमने? मस्त लग रहा, अच्छा लग रहा। हाँ ये भी अच्छा है। हाँ ये यहाँ पे लग गए सबके सब कुछ वगैरह लेने। कैसा लग रहा, कैसा लग रहा कर रहे लो लो। यहाँ इतने सारे टूरिस्ट आ रखे कि जगह ही नहीं हो रही यहाँ जाने की। आप लोग देख सकते हो कैसे निकले हम, जो ये ऐसे तो गाड़ी चलानी भी ढंग से नहीं आती, पता नहीं कहाँ ठोकेगी इसका। गाइस इसका ना यहाँ गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, पर मुझे पसंद नहीं है, मैं डाइट पे चल रही हूँ। लोग तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा ट्रैफिक लग चुका है यहाँ पे। इस लड़की को देख सकते हो यहाँ पे सस्ता करवा रही है अंकल से। कुछ और नहीं ले रही क्या? स्ट्रॉबेरी नहीं? अंकल को पूछ। हमने अंकल पर हमने अंकल को वापस कर दिया 100 रुपए, क्योंकि बेमानी नहीं करनी चाहिए किसी के भी साथ। अब हम आगे जाते हैं कुछ और भी लेना। यहाँ पे दूसरी जगह में आ गए क्योंकि वहाँ पे अंकल बहुत महंगे लगा रहे थे, देखते हैं यहाँ पे हमें सस्ते मिलते कि नहीं मिलते। फ्रूट्स भी बहुत सस्ते महंगे हो गए, मतलब बहुत ज्यादा महंगे हो गए। ओए वाटरमेलन लेते हैं। वाटर मेलन लेते, पपीता तो हमने ले लिया है, अभी हमें आगे और कुछ भी लेना है। स्ट्रॉबेरी नहीं मिल रही हमें जो हमें चाहिए, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। और अभी फिलहाल हम रास्ते में ही हैं, बैठ के मतलब मैं तो बैठ रही हूँ, बार्गेनिंग कर रही है, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों आपने सोचा होगा कि मैं अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही ब्लॉगिंग में, क्योंकि मैं स्कूटी चला रही हूँ, मैं स्कूटी चलाते हुए ड्राइविंग नहीं कर सकती। और ये लड़की इतनी हरामी है ना, बिल्कुल भी मना। मैं इसको बोलती ना कि मेरे साथ चल कर, ये पता क्या बोलती है कि तू चलाएगी स्कूटी तब जाऊंगी, इसीलिए मैं अपनी शक्ल नहीं बता पाई। और अब मेरी शक्ल देख लो, क्योंकि अभी तो बार्गेनिंग कर रही है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अभी फिलहाल, वरना जब मैं ड्राइविंग करती हूँ तब नहीं कर पाती। और अभी देखते क्या क्या लेती है। ये लड़की यहाँ पे सब्जी लेने चली गई, क्या ले रही? प्याज, क्योंकि घर से कॉल आई प्याज लेके आना की। अब देखते हैं प्याज, अगर किसी को भी मतलब सब्जी सुब्जी मतलब कि अच्छी चाहिए हो तो इस लड़की को जरूर लेके जाना अपने साथ में, क्योंकि अच्छा अच्छा सामान लेती है। मैं तो इसीलिए लेके आई थी इसको आज अपने साथ में। यहाँ पे अंकल हंस रहे हमें देख के। हाँ जी अंकल, इस लड़की से संपर्क करो भाई। हाँ जी इस लड़की से संपर्क करो, बहुत काम काज की लड़की है ये। अब मुझे बोल रही नारियल पानी भी पिलाएगी, कि खुद तो कभी कुछ खिलाना नहीं है इसने, मेरा ही खर्चा करवाना है इसने यहाँ पे। मुझे लग रहा है मेरा खर्चा डबल करवाएगी आज। पी रही है नारियल पानी पीने लेके आ गया यहाँ पे। कौन सा वाला पी रही, कौन सा वाला पी रही? इसके लेस खुल गया यहाँ पे चुत्तों की, देखना इसको आती भी है बांधने। तू पानी वाला पी रही, तू पानी वाला पी रही? मैं तो मलाई वाला। हाँ मलाई मैं भी मलाई देता हूँ। मैं अपना नहीं दूंगी तुझे। मलाई नहीं देती तुझे? ना। अच्छा होना चाहिए। मलाई वाले कितने का? हम मलाई नारियल पी रहे हैं यहाँ पे, मलाई वाला।
फोन संभाल अपना, 14 प्रो पकड़ा रखा मेरे पास। यहाँ पे मेरा नारियल पानी आ गया, पीते। कैसा हो रहा? ओए, इसमें तो बहुत ज्यादा है। खत्म हो गया मेरा भी, अब इसका मलाई निकालते इसका। आप नहीं, इसका नहीं था ना, इसके वाले में नहीं था पानी, मेरे वाले में था। पहले लेने का नतीजा यही होता है, उससे अच्छा देर में लो। कैसे हो रही? थैंक यू। अब खत्म मलाई। तो इस लड़की को देखने यहाँ पे मेरा खर्चा करवाने पे ही लगी हुई है। मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि इसने यहाँ पे मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। पता नहीं क्या होगा मेरा, जितने भी पैसे मैं कमाती हूँ, कमाती क्यों, मतलब जो भी रहते हैं मेरे पास वो सारे उड़ गए आज एक ही मिनट में। मैंगो ले रही अभी। वैसे हम जो कुछ भी लेते हैं वो सारा मेरे ही काम आता है, क्योंकि हम सब कुछ ना अपने शॉर्ट वीडियो में डालते हैं, और इसलिए वो सब कुछ मेरे ही काम आता है। मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है शॉर्ट वीडियो के लिए भी। तो आपको अब सीधे घर जाके मिलते हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं हम घर। दोस्तों, मैंने सोचा मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो के लिए इस आइसक्रीम का कुछ बनाऊंगी, बट इसको देखना यहाँ पे सबसे पहले यही खाने लगी। क्या है ये? मुझे भी देना, आप खोल ही ली तो। मेरे लिए भी रखियो, खत्म मत करना। चलो। तो दोस्तों, अभी फिलहाल ये बनाया, और इसका नाम है कोकोनट कॉकटेल फ्रूट एंड चोको आइस। अब हम इसे खाते, मिलता है आपको इसको खाने के बाद। देख सकते हो आप कितना यम्मी सा लग रहा है ये। सो दोस्तों, मार्केट से तो हम कब के आ गए थे, और अभी टाइम हो रहा है रात के 10, और अभी फिलहाल हमारा डिनर भी हो गया और अब सोने का टाइम भी हो चुका है। मैंने माइक और ट्राईपोड तो देखा था, और मुझे उसकी ज़रूरत भी है, मतलब अभी है नहीं, पर मुझे उस माइक की ज़रूरत तो, ज़्यादा से ज़्यादा माइक की ज़रूरत तो पड़ने वाली है, और आपको बाद में पता चल ही जाएगा मुझे माइक की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। और आज मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था मुझे वैसा मिल नहीं रहा था। जब मिलेगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं फिर से जाऊंगी एक दो दिन में देखने के लिए। और दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलता है आपसे कल के ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय।